कि अविलंब अग्निवीर योजना में जाति के कॉलम को खत्म किया जाए। बैठे बैठा एक मुद्दा मिल रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन पहले से कहता आया है कि अगर जातिवाद का कॉलम होगा तो उससे एक खास वर्ग को केंद्र सरकार मदद देगी। इसलिए आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। इस बार विरोध तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से किया जा रहा है। आपको बताएं कि सेना में भर्ती को लेकर जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों से मांगा गया है। इसको लेकर ज्वाइंट इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला गया, जहां पर जाति प्रमाण पत्र का एक कॉलम नजर आ रहा है। इस जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां सबसे पहले जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर विरोध जताया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष रसबू यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार पर जातिवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला। अब बिहार एनडीए के घटक दल हम के तरफ से भी सरकार से अपील जारी की गई है। अपील इस बात की कि सरकार जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र के इस कॉलम को हटा दे, इसीलिए क्योंकि लोगों को साथ ही साथ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा सरकार को जातिवाद के मुद्दे पर घेरने का। इस पूरे मसले को लेकर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, सरकार से क्या कुछ अपील उनके द्वारा की गई है, जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर क्या कुछ बातें हम के तरफ से रखी गई है। आप पहले दानिश रिजवान की पूरी बातों को सुनिए। देखिए, अग्निवीर योजना में जाति का कॉलम लगा करके निसंदेह एक नए विवाद को जन्म दिया गया है। इसलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि अविलंब अग्निवीर योजना में जाति के कॉलम को खत्म किया जाए। इससे अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैल रही हैं और अपोजिशन को भी बैठे बैठा एक मुद्दा मिल रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन पहले से कहता आया है कि अगर जातिवाद का कॉलम होगा तो उससे एक खास वर्ग को केंद्र सरकार मदद देगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अविलंब अग्निवीर स्कीम से जाति का कॉलम हटाया जाए, जिससे भ्रांतियां दूर हो पाए। तो जैसा कि आपने हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान की बातों को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार को जाति प्रमाण पत्र के कॉलम को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो निसंदेह एक विवाद को जन्म दे रहा है और ये विवाद आगे चल के काफी बड़ा हो सकता है, जिसका विरोध एक बार फिर से काफी बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। सरकार उस स्तर तक ना जाए और उसके पहले ही जाति प्रमाण पत्र के इस कॉलम को वापस ले लिया जाए, ताकि विपक्ष को कोई मौका ना मिल सके सरकार को एक विशेष जाति को लेकर घेरने का, जातिवाद के मुद्दे पर घेरने का। दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर सरकार ने यह कॉलम नहीं हटाया तो विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि सरकार किसी जाति विशेष के लिए ये स्कीम लेकर आई है, किसी जाति विशेष के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के तमाम राजनीतिक दल एक साथ होते हुए इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। जदयू, राजद और हम तीनों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया अग्निपथ योजना के इस जाति प्रमाण पत्र मांग को लेकर जो है वो जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इंडियन आर्मी में जब आरक्षण ही नहीं होता तो किस आधार पर सरकार अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रही है, क्या ये सरकार की कोई स्कीम है या साजिश है कि किसी विशेष जाति को ही अग्निपथ योजना के तहत भर्ती दिया जाए और बाकी जातियों को ना दिया जाए। इस बाबत तेजस्वी यादव ने दो ट्वीट्स भी किए, जहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर अधिकारियों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है। तो वहीं अब हम की बात करें तो हम ने सरकार से अपील की है कि वो जाति प्रमाण पत्र का ये कॉलम वापस ले ले। अब देखना यह है कि इस बढ़ते विवाद को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सरकार का क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। बीते कुछ महीनों में हमने बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर भारी बवाल देखा था, जहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा
आवागमन बाधित कर दिया गया था। पूरे बिहार में रेल प्रॉपर्टीज को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। कई दिनों तक बिहार जो है वो अस्त व्यस्त दिखा था। जहां एक बार ये मैटर शांत हुआ तो वहीं अब एक बार फिर से अग्निपथ योजना में जाति प्रमाण पत्र को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार विरोध अभ्यर्थियों के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा शुरू किया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।